राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र कार्यालय के उद्घाटन में सैकड़ों की लगी भीड़। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कानपुर से एक साथ प्रकाशित दैनिक राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र ने फरुखाबाद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। विश्व प्रताप सिंह उर्फ चीनू को जिला प्रतिनिधि की जिम्मेदारी सौंपकर समाचार पत्र को आगे बढ़ाने की टीम गठित करके जन जन तक पहुंचाने का दायित्व दिया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर बच्चा बाबा ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र के संपादक संजीव श्रीवास्तव, प्रधान संपादक हरिनाथ सिंह, ब्यूरो चीफ विश्व प्रताप उर्फ चीनू, वरिष्ठ पत्रकार वेदपाल सिंह, श्याम सिंह यादव, प्रताप सिंह यादव, विकास पांडे, सर्वजीत यादव, पवन अग्निहोत्री, रामू राजपूत, पीडी शुक्ला, राम रईस राठौर, चंदन शुक्ला उर्फ प्रभात शुक्ला, ब्रज व कांत दीक्षित आदि पत्रकार व पूर्व ब्लॉक प्रमुख कृष्णपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह जी व युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मनोज मिश्रा, संतोष सिंह प्रधान, उदय प्रताप सिंह प्रधान, सुमित शुक्ला व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ के बारे में जानकारी जो भी है, ये रूपरेखा कैसे बनी, कहाँ तक रूपरेखा को जाना है, इस कड़ी में मैं चाहूँगा कि सिंह साहब भी 2 मिनट में प्रणाम कर लीजिए। मैं चाहूँगा हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार वे कुछ प्रकाश डालेंगे समाचार के बारे में, समझा है आपने, और कैसे इस कड़ी को आगे बढ़ाना है पत्रकारिता के क्षेत्र में। जनपद बहुत ऐतिहासिक नगर है, ये गंगा की गोद में बसा है। यहाँ 1857 की क्रांति से लेकर आज तक तरह तरह से लोगों ने योगदान दिया है। आज छोटे भाई विश्व प्रताप सिंह ने भी एक कदम बढ़ाया है। जब देश में अंधकार दिख रहा हो, तब समाचार पत्र का प्रकाशन एक दीपक जलाने जैसा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि बाबा जी के भक्त रमेश कुमार सिंह जी, हम सबके अग्रज बुजुर्ग जो सफेद वस्त्रों में भी संत की तरह जीवन जीते हैं, आदरणीय श्री कृष्णपाल सिंह गुमा जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र के संस्थापक और संचालक भाई संजीव श्रीवास्तव जी, प्रधान संपादक हरिनाथ सिंह जी। दरअसल ये समाचार पत्र का संचालन आज के दौर में बहुत कठिन कार्य हो गया है। न्यूज प्रिंट की बढ़ती कीमतों तथा साथियों का बढ़ता पारिश्रमिक, आज के दौर में समाचार पत्र को निकालना बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि संजीव श्रीवास्तव जी ये साहस कर पा रहे हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। प्रयास है कि गणेश शंकर विद्यार्थी की परंपरा को